हेलो गाइस एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जल्दी से सबसे पहले लैंड कैसे कर सकते हो। जैसे ये देखो, प्लेयर पहले उतर गया और मैं उसके साथ पहल बाद में लैंड करा। पहले मेरे साथ भी ये काफ़ी होता था। तो आपको क्या करना है, जिस भी लोकेशन में आपको जाना है उससे 700 से 800 से पहले आपको वहाँ डिग्री मतलब वहाँ पर जंप करना। और ठीक है, तो यहाँ बीच में आपको 145 से 150 डिग्री में आपको जंप करना, उसको मूव रखना है, सेम पोजीशन आप रखना, और इससे आप लैंडिंग आपकी जल्दी होगी और आप नीचे जाके एनिमी को इजीली मार सकते हो। और ये ट्राई ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। आप मुझे बताना कि ये आपके साथ भी होता है कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है। मुझे पता भी होता है कि बंदा वहाँ पे मैं नेड करता हूँ लेकिन वो एनिमी सर्वाइव कर लेता है। मोस्टली लोग ये वाली ट्रिक बोलते हैं कि उसके पैर पे रखो और उसकी राइट साइड रखो तो उसको ज़्यादा डैमेज होगा, लेकिन मैंने ये भी ट्राई करके देखी है तो लेकिन वो फिर भी यूज़ हो जाता है। अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप नेड थ्रो करोगे तो पहला नेड जो है उसका आपको पता होगा कि वो जंप करके वो 4 से 5 सेंटीमीटर आगे जाता ही जाता है। तो आपको जब भी नेड फेंकना है मेरे भाई तो आप उसको पीछे फेंको ताकि वो बाउंस करके एनिमी के पास जाके रुके। जैसे ये देखो, बाउंस हुआ और एनिमी के पास जाके रुका है। अब वो जहाँ से मूव भी नहीं कर सकता और फुल डैमेज आप एनिमी को वो होगा ही होगा। आप ये वाली ट्रिक कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब नेड आप पीछे फेंकना ताकि वो बाउंस करके एनिमी को लगे। हेलो गाइस, तो आपके साथ भी ये वाली सिचुएशन होती होगी जो आपने स्क्रीन पर देखा कि पीछे से पट जाता है जहाँ आपकी हेल्थ जो है वो 1 HP पे रह जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमेशा जब भी आपको पीछे से पड़े, ठीक है, और आपकी हेल्थ 1 HP भी चले जाए, भागने के बजाय आप लेट के उसको स्प्रे देना। क्योंकि आप भी अगर रखो आग, जैसे ये घर में मैं एंटर किया तो आप पहले अगर आप लेटे हो तो आप हम सोच ही नहीं सकते कि आगे वाला बंदा लेट के स्प्रे दे रहा है। ठीक है, हमारा एम ऊपर रहेगा, लेकिन अगर आपका एम अगर आप लेट के दोगे तो आपको एडवांटेज होगा, लेकिन इसके लिए आपकी एक्यूरेसी थोड़ी होनी चाहिए ताकि क्योंकि इसके लिए आपकी जो गोली से लगेंगी वो एनिमी के बॉडी पे लगेगी तो आपको ज़्यादा कनेक्ट करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू हेड। ठीक है, जैसे ये लेटा है तो ये देखो इसका एम जो है, ठीक है, ऊपर हेड पे रहा है, हेड पे क्लिक हुआ और बॉडी पे रहा। अगर आप पैरों पे मारोगे तो वो कभी यूज़ नहीं हो। तो हेलो गाइस, जैसे भी आप लोगों को पता है कि जो आप हम मोली वगैरह या कुछ भी हम फेंकते हैं, स्मोक भी अगर फेंकते हैं तो उसको परफेक्ट फेंकने का तरीका क्या है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, ताकि वो पीछे वाले को भी डैमेज हो और आगे वाले को भी डैमेज हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन जो वीडियो में चल रही है वो सीधा नहीं फेंक रहा, उसको मैं एक कॉर्नर पर जहाँ ऊपर की साइड फेंक रहा हूँ ताकि वो आप घर में जैसे देख पा रहे हो कितना वो स्प्रेड हुआ। अब ये आपको जब भी कहीं फेंकना है तो आप अपना मोटिव रखो कि उसके ऊपर फेंके, ठीक है, उसके हेड पे फेंकोगे तो वो आगे भी डैमेज होगा और पीछे भी डैमेज होगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो ऐसे जब आप वीडियो में देखोगे तो वो जैसे आप देखो आगे भी गई है, वो पीछे भी गई है, राइट भी गई है, लेफ्ट भी गई है। ठीक है, तो ये सेम ट्रिक करके आप मोली का प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। और ये पूरी ट्रिक का क्रेडिट लिन क्वीन को जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप नो फुटस्टेप कैसे यूज़ कर सकते हो। पहले आप नॉर्मल फुटस्टेप सुनिए। तो आपने सुन लिया, अब आपको करना क्या है, पहले आप पैन ले लीजिए, अब थ्रू वाले पे क्लिक कीजिए, अब बैठने वाले पे क्लिक कर लीजिए, अब पीक वाला का राइट वाला या लेफ्ट वाला कोई भी आप कर सकते हो, आपकी ऑप्शन है। तो अब आपको फायर वाले बटन पे क्लिक करते हुए आपको ऐसे मूव कर, तो आप साउंड सुन सकते हैं, कोई साउंड नहीं आ रही। अब इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते, मान लीजिए कि आपको पता है कि आपके ऊपर वाले फ्लोर पे एक बंदा है, ठीक है, मान लो अपार्टमेंट है लेकिन आपको स्टेयर से जाना है लेकिन उसे नहीं पता कि आप उसके नीचे वाले फ्लोर पे, तो आप बिना फुटस्टेप इसको यूज़ किए ऐसे ऊपर जा सकते हो और ईजिली उसको मार सकते हो। और ऐसी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।
हेलो गाइस एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कार ट्रैकिंग और अपनी गन की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी ड्रिल्स करनी है, और इस ड्रिल्स को मैंने 4 से 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रेनिंग सेंटर में आ जाओ और यहाँ पर ये 3 जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको सिलेक्ट करके अब इसको मूव करना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आपकी एम जब आप गन्स स्टार्ट करोगे, ठीक है, अब क्लोज रेंज में जैसे आ जाए, अब ये 7 सेकेंड ड्रिल है, इसके साथ साथ आपने मूव करना है। पहले फर्स्ट वाले में आपने रुक के उसको मूव करना है, साथ में अब सेकंड में साथ साथ करना है। तीसरी जो है इसमें आपको आपकी उसके ऑपोजिट जाना है, जैसे वो राइट जा रहा है तो आपको लेफ्ट जाना है, और अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो आपको राइट जा रहा है, लेकिन आपका एम उसके हेड पर ही होना चाहिए ये। और फोर्थ वाले में आपको सेम करना है जो तीसरी है, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी करना है, और ये इसमें आप जिगल करना है इसमें आपको। तो इस वाले मोड में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला है ग्लाइडिंग डोल, इसके साथ आप ग्लाइड कर सकते हो जब तक आप स्क्रीन मतलब आप ग्राउंड पे टच नहीं करते। और सेकंड है व्हीकल एयर ड्रॉप, जैसे आप इसको फेंकोगे तो वो ऊपर से आपको एक व्हीकल स्पॉन हो जाएगी, और साथ में एक टाइम चल रहा है जैसे 147 सेकेंड, तो उसके बाद ये गायब हो जाएगी। तीसरी है हीलिंग स्मोक, इसमें क्या होगा कि ये स्मोक जैसे स्प्रेड हो जाएगी, और उसके बीच में अगर आप जाके खड़े होंगे तो आपको हील मिलती रहेगी बिना कोई हीलिंग यूज़ किए। तो चौथा है हमारा लक्की बैग, इसमें क्या होगा आपके पास कोई भी गन है उसको आप रखोगे तो वो आपको कुछ उसके ऑप्शन दिखा देगी, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तीसरा है ट्रैकिंग, जब भी आप एनिमी को मारोगे तो ये कुछ सेकंड के लिए उसको ट्रैक कर देगा। चौथा है ब्लैक मार्केट, तो मार्केट जैसे आपको पता है यहाँ से आप गन वगैरह खरीद सकते हो इजी, आपके पास कॉइन हो तो। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको इस मोड के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो मोस्टली 5 तक हो चुके थे, तो 2 रह चुके थे, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 6th है सप्लाई स्कैन, ठीक है, ये आपको आपकी मतलब सप्लाई दिखाएगा, जो गन्स आपने सिलेक्ट की होगी वो आपको इजीली यहाँ पे दिखा देगा। प्ले एनालाइज, ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट एनालाइज नेक्स्ट जोन आपको बता देगा।